रिलिया बहरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बहरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया मालिक साहब का कहना है कि लल्ला के बाबा हैं मलखान सिंह, उनका कहना है कि दूसरा सोमवार और द्विवेदी क्या तरकीब से बिगड़ अग्नि पानी के भोजन राजा नल बनाएगा और दूसरे सोमवार में क्या तरकीब से आपके सामने बिहार कर लाएगा। और हमारा अब यहाँ से प्रोग्राम आगे के लिए चालू है। और एक बात और है, हमारे क्षेत्र में इतने भी गाने वाले हैं ढोला, सब एक ही गुरु के चेला है, मानिए राम नारायण उस्ताद मुस्तफाबाद में, और अभी भी सबके गुरु जिंदा हैं। सबसे सुपर हिट उनके चेला मानिए मुंशीलाल, उसके दूसरे नंबर पे भारत सिंह, सबसे बाद में प्रोग्राम हमने सीखा है। और अब ये गुरु की मेहरबानी है, सब लोगों के दर्शन हो रहे हैं और सब लोग शांत बैठे रहोगे तो क्या तरकीब से दूसरे सोमवार में रानी द्विवेदी के लिए ब्याह करके लाएगा और बगैर बिन पानी के राजा नल भोजन बनाएगा। एक बार सब लोग शंकर भगवान का जयकारा लगाइए, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गंगे मैया की जय। और ये मानिए 10 रुपया सुक्कन चाचा जी जे भी दफ्तरा की तरफ से, ये 10 रुपया नौता में दे रहे हैं। चारे चढ़ियो चौकटारे मलिया गिर के फुल्ली लगे रे सुवरन क्यार, अरे बढ़त बढ़त तुम इतने रे बढ़ियो, अरे झंडा लहरी रे लहरे लहराए, भैया ना कोई जगह मेरे लेके रे आयो, ए ना कोई बांध रे गठरी हेलो अटल भुवनर वर्षी गादी लाखन ऊट हजारों हाथी रूस है नो तीरा बात, एक समय राजा नंद चक्रवर्ती को भैया हो पावन गढ़ में रात, बने बिगड़ गए ठाट, एक समय राजा नंद नरवर्ष कर दियो बार बार, राजा नल जब से नरवर में आता है, जब से दुमेती नरवर में आई ही कर्मन की खोटी रे, ताऊ ने धरी नर भैया दी,
बता दो के बापो धीरे रे धरैया कही रानी तुम्हें थी आज मेरे कहने से एक काम पर मेरी भाभी चमेला है उसके पास जा सेवर आटू जल्दी से मांग के ले गया नाय दुलहे ने मरदो तेरी राम लगाई अपनी ये जिठनी ये केरे ढेंग जाई कहने लगी बहना मेरे लिए मेरे पति ने भेजा है सेरवर आटो मेरे लिए दे दो हमारे पति भूखे हैं तो आज इसके साथ में क्या किया अरे लात मार दई अरे पति भिरता के भोजन आधी रात पे दोनों प्राणी राय दल कहने लगा रानी दिन में चलेंगे कोई जाने नहीं देगा आज पूरा नवर सो रहा है अब घर के आधी रात चोरी चोरा चले चलो आज राय दल ने क्या काम किया तई पूरो नरवर सो मत छोड़ो के पहुंच गो चौराहे पे जाकर के चौराहे पर पहुंच गया कहने लगा रानी ये रास्ता महानगर के लिए गई है ये रास्ता सियानगर के लिए गई है और ये सूदी रास्ता ये भीमस के लिए गई है आप बताओ कहां के लिए चलोगी उनकी पति महाराज एक बात है मेरे मैके के लिए चलो और 12 साल में अपनी औखा अपने पीहर में काट लूंगी तो नकी रानी सुन ससुराल को बसना घर की बसने एक ही बात होती है अगर मैं आज ससुराल जाऊंगा सारो आवे वो मस्करी करे हो ससुराल है वो बहु नाय में बिगड़ी में जाऊंगो ससुराल अरे दुल्हनिया भी बस को के तू तो मानी बलवती लल्ला के ताऊ विनोद कुमार ये 50 रुपया नौताम दे रहे हैं ये ऊंची रे हाजत के रे बालक है ए पगिया इने रे कही ये बनवाए आज हितु रिश्तेदारी सब जमाइले के काका के तो भैया नातेदार और मौके पे ही तेरे बंद जत तुए चेरे कुटुंब परिवार सिया नगर में तई सूरत
पे थी जब नल ठाकुर की